सबसे पहले क्वेश्चन देख के आपको ऑब्जर्व होना चाहिए कि ये एक रेशनल फंक्शन है, ऊपर से ये इम्प्रॉपर है ना। क्यों इम्प्रॉपर है? डिनोमिनेटर की डिग्री जो है 2 है और न्यूमिनेटर की डिग्री 3 है, और न्यूमिनेटर की डिग्री जब भी ज़्यादा या बराबर हो जाती है डिनोमिनेटर से तो उसे इम्प्रॉपर कहते हैं। और एक बार इम्प्रॉपर हो गया तो आपको प्रॉपर बनाना पड़ेगा। कैसे बनाते हैं? डिवाइड करके हम लोग प्रॉपर बना लेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस वन से डिवाइड करते हो, डिवाइड करना आपको आता ही होगा। खैर हम बता दे रहे हैं, इसका हायर डिग्री टर्म एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई इसका हायर डिग्री टर्म एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा? एक्स आ जाएगा। तो एक्स बार ले जाइए, क्या हो जाएगा आपका? एक्स से मल्टीप्लाई करिए एक्स क्यूब और माइनस एक्स हो जाएगा। साइन चेंज करेंगे ये कैंसिल होगा, एक्स प्लस एक्स टू एक्स हो जाएगा प्लस वन। अब हम लोग डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि इसकी जो डिग्री है वो कम हो चुकी है आपके जो भी डिवाइजर है। खैर अब क्या करेंगे हम लोग, इसको लिख देंगे, दैट मीन्स दिस कुड बी रिटेन एज ए एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन कुड बी रिटेन एज ए एक्स, ये डिवीजन एल्गोरिथम से एक्स, और क्या हो जाएगा आपका? प्लस टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, है ना। और एक्स स्क्वायर माइनस वन को आप फैक्टराइज कर लोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो हम यही कर दे रहे हैं, आप नेक्स्ट स्टेप में करिएगा। तो एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन, तो आपके पास जो ये वाला पार्ट है इसका आप पार्शियल फ्रैक्शन कर लो, है ना। कैसे पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं हम लोग? तो जानते हैं नीचे तो दो लीनियर फैक्टर है, एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन। ये कुछ ए अपॉन, ए कोई कांस्टेंट होगा, अपॉन एक्स प्लस वन आ जाएगा, और बी अपॉन क्या आ जाएगा आपका? एक्स माइनस वन आ जाएगा। इसका ए कोई कांस्टेंट नंबर है, इंटीग्रेट करेंगे लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस वन आ जाएगा, इसका लॉग ऑफ मॉड एक्स माइनस वन। बशर्ते ए और बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे हम लोग? मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन से। तो हम ऊपर कर दे रहे हैं, आप नीचे कर लीजिएगा, कंटिन्यू करिएगा अपने कॉपी में। तो ये हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई कर देंगे आप, क्या हो जाएगा आपका? टू एक्स प्लस वन टाइम्स, एक ब्रैकेट कैंसिल होगी, ये हो जाएगा ए टाइम्स एक्स माइनस वन प्लस बी टाइम्स एक्स प्लस वन। अब एक्स माइनस वन एक्स को वन प्लेस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा थ्री इक्वल्स टू, ये जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा टू बी, मतलब यहां से बी की वैल्यू आ गई थ्री बाई टू। अब फिर ए की वैल्यू माइनस वन रख दीजिए, पुटिंग एक्स इक्वल्स टू माइनस वन, ये जीरो हो जाएगा, ए आ जाएगा। तो माइनस वन रखेंगे तो माइनस टू प्लस वन, माइनस वन हो जाएगा इक्वल्स टू माइनस टू ए, तो ए की वैल्यू आ गई आपकी हाफ। अब दोनों आ गया है ना, जैसा हम लोग कह रहे थे। तो यहीं से कंटिन्यू कर लेते हैं हम। तो आपका जो आ गया ओरिजिनल इंटीग्रल क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका, अब नीचे कंटिन्यू करेंगे, एक्स प्लस ए अपॉन क्या हो गया? एक्स प्लस वन और प्लस बी अपॉन एक्स माइनस वन डी एक्स। ठीक है, ए और बी की वैल्यू तो हम लोग ऐसे ही निकाल चुके हैं। ए की वैल्यू कितनी है आपकी? वन बाई टू है, यहाँ वन बाई टू रख दे रहे हैं ना, और बी की वैल्यू थ्री बाई टू थी, थ्री बाई टू रख दे रहे हैं। तब आपको सिर्फ इंटीग्रेट करना है, ये सारी वर्किंग दिखाने का ही एक, आप आराम से किया करिए, इसी में टाइम लगता है आपको, है ना। इंटीग्रेशन तो काफ़ी आसान होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? एक्स डी एक्स प्लस हाफ बाहर कर लेते हैं, वन बाई एक्स प्लस वन डी एक्स, और यहाँ से थ्री बाई टू बाहर कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई एक्स माइनस वन डी एक्स हो गया। क्या हो जाएगा इसका? एक्स स्क्वायर बाई टू हो जाएगा प्लस हाफ लॉग ऑफ मॉड, क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वन हो जाएगा और प्लस थ्री बाई टू लॉग ऑफ मॉड एक्स माइनस वन हो जाएगा प्लस इंडेफिनिट कॉन्स्टेंट सी। तो देख लीजिएगा, दैट इज़ द फाइनल आंसर।